सब्जी मंडी परिसर में सब्जी व्यापारियों द्वारा सोमवार को खनिज निगम अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल का व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सब्जी व्यापारियों द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल का पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सब्जी व्यापारियों ने विधायक प्रदीप जायसवाल को सभी मंडी परिसर की समस्या से अवगत कराया। सब्जी व्यापारियों ने विधायक प्रदीप जायसवाल से कहा कि लगभग 5 वर्षों से इस मंडी का कोई विकास नहीं हुआ है। बारिश के समय दुकान में ग्राहक नहीं आ पाते हैं। हमारे द्वारा पूर्व नपा अध्यक्ष व CMO को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, मगर हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा एक रोड तो बनाई गई है, मगर वो रोड कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सर्व संगठन सब्जी मंडी व्यापारी संघ के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल ने सब्जी व्यापारियों की समस्या को सुनते हुए उनकी मांगों को शीघ्र ही निराकरण करने के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं जगदीश सेवलानी ने कहा कि सब्जी मार्केट की दुर्दशा बहुत ही बुरी हो गई है। सब्जी व्यापारियों के अध्यक्ष जगदीश सेवलानी ने खनिज निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को बताया कि पिछले कई वर्षों से सब्जी मार्केट में अव्यवस्था का आलम पड़ा हुआ है। सब्जी मार्केट में स्थित सर्व सुलभ शौचालय बीते कई माह से बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से मंडी के सब्जी व्यापारियों सहित अन्य व्यवसायियों व यहाँ आने वाले लोगों को शौचालय के अभाव में विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। वह सब्जी मार्केट में लंबे समय में स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन खंभों पर बल्ब ना लगे होने की वजह से रात के समय मार्केट परिसर में अंधेरा छा जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए चोर लोग यहां के दुकानों में आए दिन चोरियों की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं सब्जी व्यापारियों द्वारा कुछ दिन पूर्व ही बनाए गए संरक्षक संदीप मिश्रा ने कहा कि कई बार सब्जी विक्रेताओं के बैठने के लिए टीन शेड युक्त चबूतरा निर्माण किए जाने की मांग पूर्व नपाध्यक्ष से की गई थी, परंतु अब तक नपा द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। परिणाम स्वरूप इस सब्जी मंडी परिसर सड़क के अभाव में बरसात के दौरान कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे मंडी के भीतर सब्जी दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं। यहां तक कि तेज बारिश होने पर सब्जी दुकानों के अंदर तक पानी घुस जाता है, जिससे विक्रेताओं को अपनी दुकानों में बैठने में भी परेशानी होती है। वहीं मिश्रा ने कहा कि बाजार ठेकेदार पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बाजार ठेकेदार द्वारा सब्जी विक्रेताओं के मनमाना दाम वसूला जाता है। साथ ही बाजार के अंदर आए हुए वाहनों से भी ठेकेदार के लोगों द्वारा जबरन मनमानी वसूली की जाती है। विरोध करने पर वाहन चालकों एवं सब्जी विक्रेताओं को धमकाया जाता है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने सब्जी विक्रेताओं की बातों व मांगों को सुनने के पश्चात विधायक प्रदीप जायसवाल ने सब्जी विक्रेताओं द्वारा रखी गई मांगों को शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सब्जी मार्केट में बरसात के दौरान कीचड़ की समस्याएं वाकई में विकराल हैं। मंडी में टीन शेड युक्त चबूतरे की मांग भी काफ़ी पुरानी है, जिसे नपा में बैठी परिसर पूर्ण नहीं कर पा रही है, लेकिन अब यहाँ की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। शीघ्र ही यहाँ की सभी समस्याओं से सब्जी विक्रेताओं को निजात दिलाने का कार्य मेरे द्वारा जल्द ही किया जाएगा। वहीं जायसवाल ने कहा कि मैं भी पहले साइकिल से सब्जी के लिए आता था। मैं सीधा साधा लड़का था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं विधायक व मंत्री बन जाऊंगा, मगर आप सबके आशीर्वाद से ही बना हूं। वहीं कार्यक्रम कर पश्चात विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा कई वर्षों से सब्जी का व्यवसाय कर रहे बुजुर्ग व्यापारियों का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष विनोद कोल्हे, शेख फारूक भाई, कोषाध्यक्ष सुनील सोन कुसरे, मोनू लिमजे, संभीर सोलाखे, सचिव ईश्वरी चौरसिया, सह सचिव शेख आसिफ, नीलफम ब्रह्मे, शेख सरताज, सूर्यप्रकाश मात्रे, अनिल बाहेश्वर, कैलाश पात्रे, शिव लिमजे, गोलू अवधिया, सुनील गोखले, राजेश वेले, अजय कोल्हे, सुभाष मात्रे, किशोर डेहाऊ, शकील खान, राजा लिमजे, नीलेश देवेश्वर, मो शेख, विकास नागवंशी, वीरेंद्र नागवंशी, लक्ष्मण मनगटे, राजा चौरसिया, ओम प्रकाश मनगटे, मिलिंद भोयर, पीयूष मामा, नागेंद्र नागवंशी, ईश्वर करकारे, नंदकिशोर आचरे, मदन गजभिये, विज्जू ठाकरे सहित समस्त सब्जी विक्रेतागण मौजूद रहे। जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ दादा यहाँ पर बैठ के सब्जी का बेचने का काम कर रहे थे, आज नई पीढ़ी सामने आई, हमारी महिलाएं भी सामने आई और आज जरूरत पड़ी कि हम सब एकजुट हों।
देखो एक संगठन में ताकत होती है, सरकार में ताकत होती है। अभी तक आपकी वो समस्या आती थी तो कोई सुन लेता था, एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था, आपको हल्के में लेते थे क्योंकि आपकी आवाज़ में ताकत नहीं थी। लेकिन अब आपकी आवाज़ में सबकी आवाज़ बनी है और आपने सबने मिलकर हमारे जगदीश भाई को अध्यक्ष बनाया। आप जगदीश भाई कोई बात बोलेंगे तो वो पूरे सब्जी विक्रेताओं की आवाज़ फैलाएगी, उस पर काम रहेगा। और उसके ऊपर हमारे संरक्षक यहाँ के पार्षद और बहुत सालों से जिन्होंने राजनीति में भाग लिया है, ऐसे हमारे युवा साथी भाई संदीप मिश्रा जी संरक्षक हैं, हमारे कॉलेज जी हमारे मोहम्मद फकरू भाई और हमारे सब युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग सब, मेरा चेहरा याद होगा, मैं साइकिल से आ करता था सब्जी लेने आप सबके साथ, बहुत सीधा साधा लड़का था, हमने कभी सोचे नहीं कि लड़का विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा कभी नहीं। तो सबके चेहरे मुझे याद है, आपकी हमारे कई महिलाएं भी बैठती थी, काकी करके हम लोग सब्जी लेते थे। आज समय बहुत आगे बढ़ गया, आज हमारे युवा साथी वहाँ पर आ गए और उन्होंने भी अच्छी तरह से इस व्यवसाय को संभाला। लेकिन अब आपकी ताकत बनी है, आपका मान सम्मान एक अलग कह रहा है, इसके लिए आप सब एकजुट हुए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप समाज के एक अंतिम छोर के समाज के रूप में काम करते थे। सब्जी विक्रेता बड़े बड़े लोग सभी लोग महिलाएं सभी आती है, मेरे पास समय नहीं रहता, नहीं आ पाता मैं, लेकिन भोपाल में जब भी समय मिलता तो आज भी मैं सब्जी लेने भोपाल के मार्केट में अभी भी सब्जी लेने आता हूँ, क्योंकि सब्जी लेने का सब्जी भाजी ताज़ी सब्जी रहती है और सब्जी छाट के लेना सब्जी खरीदने का एक आनंद, एक अलग ही तरह का आनंद आता है जिसको हम सब सब व्यक्ति कह सकते हैं। ये अपनी एक रुचि भी होती है। तो आप सबके काफ़ी करीब मैं रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मैं इतना आगे बढ़ाऊँ। मुझे अफसोस है कि पिछले 5 साल में नगर पालिका में आपने मेरी पत्नी को बनाया, सीता जायसवाल को, वाराणसी के जितने बड़े बड़े काम थे उस समय सारे बड़े काम मैंने यहाँ पर वाराणसी में लाया, चाहे पानी की टंकी की बात करें, स्टेडियम की बात करें, माता कुल्ले चौक की बात करें, रोड की बात करें, लाइट की बात करें, टोंडा नाला की बात करें, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन उसके बाद जो कार्यकाल आया जिसमें मैं आप सबके दरवाजे पर आया था और आप सबने, मैंने जो साथी बुलाया था वीर पटेल, उसको भी आपको आशीर्वाद दिया। लेकिन अफसोस रहा कि वो 5 साल में जो काम हुआ था, इन 5 साल में वो काम नहीं हुआ। द रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।